सर आपको कुछ कीजिए, पुलिस आप है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, आप लोग देखेंगे वहाँ पे, जाइए वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज हम आपको पटना पुलिस का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आपको समझ आएगा क्यों पटना में अपराधी निरंकुश है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पूरी बात बताएंगे। सर आपको कुछ कीजिए, पुलिस आप है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, आप नहीं देखेंगे वहाँ पे, जाइए वहाँ पे। पैसा लेने के लिए तो चाहेंगे, नौकरी जाएगा, नहीं जाएंगे तो नौकरी जाएगा। ये लोग कौन है? ये देखिए एसके पुरी का, ये पटना के बेहद पॉश इलाका है बोरिंग रोड। बोरिंग रोड के मध्य में एक चौराहा है, जिसे हम एसके पुरी चौराहा भी कहते हैं। इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का चेक पोस्ट है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस और बिहार पुलिस की ड्यूटी हमेशा होती है। वहां एक महिला पहुंचती है, वो पुलिस से यह गुहार लगाती है कि आप मेरे साथ चलिए। बस यहां से चंद कदम की दूरी पर लड़की के साथ बीच सड़क पर कुछ मनचले छेड़खानी कर रहे हैं और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और उनके कपड़े को फाड़ रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मी ने इस महिला को कहा कि आप यहां से थाने चले जाइए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं रहे। जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जब इस वीडियो को उस महिला के लड़के ने बनाने की कोशिश की, उसे भी पुलिसकर्मी द्वारा धमकी दी जाने लगी। अब ये सवाल उठता है कि अगर किसी लड़की की आबरू बचाने को लेकर कोई महिला किसी पुलिसकर्मी के पास जाकर गुहार लगाए और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर जाना तो दूर, उस महिला को ही धमकी दे और थाने जाने की हिदायत दे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है शायद ऐसे पुलिसकर्मियों को कानून की जानकारी तो है ही नहीं, साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NBC 24। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।